वहीं प्रयागराज में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। खबर दिखाते ही पुलिस ने संदिग्ध आतंकी को पकड़ा है। संदिग्ध शाहरुख को पुलिस ने घर से हिरासत में लिया। एटीएस को संदिग्ध शाहरुख के पोल्ट्री फॉर्म से आईडी भी बरामद हुआ है। और पहले पुलिस ने सिर्फ नाम पता नोट कर शाहरुख को छोड़ दिया था, लेकिन एबीपी गंगा की खबर के बाद ये बड़ा असर देखने को मिला। बता दें आपको कि एटीएस को संदिग्ध शाहरुख के पोल्ट्री फॉर्म से आईडी भी बरामद हुआ। और पहले पुलिस ने सिर्फ नाम पता नोट कर शाहरुख को छोड़ दिया था, लेकिन अब उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। संदिग्ध आतंकी को हिरासत में लिया गया। संदिग्ध के परिवार ने उसे बेकसूर बताया है और पुलिस ने पहले तो नाम पता नोट करके उसे छोड़ दिया था। लापरवाही की खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया। एबीपी गंगा के पास से शाहरुख को हिरासत में लिए जाने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें और हिरासत से पहले शाहरुख और उसके परिवार ने खुद को बेगुनाह बताया था। हमने इतना वही नहीं किया ना, मेरा वहाँ ध्यान गया कि ऐसी कोई भी चीज़ होगी, हमने सोचा कोई चीज़ होगी। हम मेरा वाकई अल्लाह गवाह है कि मेरा वहाँ पे कोई ध्यान ही नहीं गया। कभी इस मामले में हम रहे नहीं, कभी यहाँ पे कोई ऐसी बात ही नहीं हुई मेरे साथ कि हम वहाँ तक सोचते। हम मेरे दिमाग में तो नौकरी थी कि हमें नौकरी मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, रहने को मिलेगा वहाँ पर आराम से, तो ये सब दिमाग में था। वहाँ पर मेरा जहन ही नहीं गया कोई। तो खाला का मेरे फ़ोन आया कि क्या नाम है कि पुलिस आई है ढेर सारी, तुम्हारा नाम पूछ रही, तुम्हारा नंबर मांग रही, ये वो। अब मेरा दिमाग ख़राब, मेरी हालत पस्त कि ऐसे क्या हो गया। फिर हमें ध्यान आया कि हमने रात में वो रखा है, कहीं उसी से तो मामला नहीं है। तो फिर हमने अपने खालू को फ़ोन किया, वो फ़ोन उठाए, कहीं कौन, हम का शाहरुख बोल रहे हैं। कहें अच्छा हाँ, तो हम कहीं बताइए पुलिस वाले हैं कि गए। कहीं पुलिस वाले क्या ताला तोड़ दिए हैं, वहाँ से बम बरामद हुआ है और पूरे न्यूज़ चैनल में पेपर में आ गया। हमने कहा अच्छा ठीक है, काट दिया। फिर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो फिर मेरी जिससे बात हुई थी एटीएस अधिकारी से, हमने उनको कॉल किया। पूरी एक बेल गई नहीं उठाया, पूरी दो बेल गई नहीं उठाया। अब हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हमने फिर मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, फिर इधर उधर हम भागने लगे। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां परी चौक पुलिस चौकी के पुलिसकर्मी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ये पुलिसकर्मी रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक होटल में छापा मारा था, जहां से पकड़े गए कपल को छोड़ने की एवज में रिश्वत ली गई। मामला सामने आने के बाद पुलिस कमिश्नर ने तीनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया, साथ ही एसपी फर्स्ट को जाँच सौंप कर विभागीय कार्यवाही के निर्देश दिए। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक कपल को छोड़ने के एवज में रिश्वत की मांग की गई और रिश्वत लेते हुए ये पुलिसकर्मी कैद हुआ है, जिसके बाद अब उस पर विभागीय कार्यवाही के निर्देश। लगातार हो रही बारिश की वजह से एक परिवार पर ऐसी आफत बरसी कि अब ये दर्द वो कभी नहीं भूल पाएंगे। लगातार बारिश से मकान की एक पूरे परिवार पर मकान भरभरा कर गिर गया, जिसके चलते दो सगी बहनों ने दम तोड़ दिया। वहीं परिवार के 8 सदस्य गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हादसे की वजह से इलाके में हड़कंप की स्थिति है। आपको बताएं कि मौसम विभाग ने अलर्ट के बाद पिछले 3 दिन से जमकर बारिश हो रही है, जिसका खामियाजा कच्चे मकान में रह रहे एक गरीब परिवार को अपनी दो बेटियों की जान देकर चुकाना पड़ा है। परसरामपुर में गांव वेदीपुर में दो बच्चियों की जो है दीवार गिरने से डेथ हो गई है, तो उनको दैवीय आपदा के अंतर्गत जो अनुमान्य धनराशि है वो दी जाएगी और अन्य प्रकार की जो भी सुविधा सरकार की तरफ से है, राशन इत्यादि, उस माध्यम से भी पूरे परिवार की सहायता करी जाएगी। जो घायल हैं उनको भी जो अनुमान्य सहायता राशि है वो भी दी जाएगी।